सो गाइस फाइनली इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इस साल का मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन Redmi Note 10 Pro के बारे में। Redmi Note 9 Pro का एक यूज सक्सेसर होने वाला है Redmi Note 10 Pro और वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होने वाला है, क्योंकि मिड रेंज के प्राइसिंग में Redmi Note 10 Pro के अंदर बहुत अच्छे स्पेक्स देखने को मिलेगा। इस फोन का प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है 15,000 से 20,000 रुपीज़ के रेंज में, तो काफ़ी अच्छा प्राइसिंग है यार। मिड रेंज के प्राइसिंग में फ्लेक्सिबल लेवल के स्पेक्स इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है और इस फोन के बारे में बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं, तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस फोन के बारे में बहुत सारे लेटेस्ट कन्फर्मेशन भी है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं इस फोन के लेटेस्ट स्पेक्स से। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, हाईएस्ट स्मूथ रिफ्रेश रेट इस फोन के डिस्प्ले में देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज का, यहाँ पे ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है, और 6.7 इंच का डिस्प्ले इस फोन के अंदर मिलने वाला है। तो यार इस फोन का डिस्प्ले साइज जो कि बहुत बड़ा होने वाला है और फुल HD प्लस का रेजुलेशन इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिलेगा और इस बार इस फोन के डिस्प्ले में एक फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा जहाँ पे कहीं भी कटआउट नहीं होने वाला है। सेकेंड जेन का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा और जैसे कि डिस्प्ले में कहीं भी कटआउट नहीं होने वाला है, तो इस फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 768G का चिपसेट इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा और ये चिपसेट जो कि यार स्नैपड्रैगन की तरफ से लेटेस्ट चिपसेट है, जो कि एक गेमिंग बेस्ड सेंट्रिक चिपसेट है। तो अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो यार इस फोन के अंदर बहुत अच्छे से गेमिंग कर सकते हो, क्योंकि 2.62 GHz पे क्लॉक है, क्लॉक स्पीड भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और ये चिपसेट डुअल 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, LPDDR4X रैम, UFS 3.0 स्टोरेज और ये फोन जो कि एंड्रॉइड 11 के साथ आने वाला है, जहाँ पे MIUI 12 का सपोर्ट इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करते हैं, पेंटा रियर कैमरा सेटअप इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, ऑफिशियली यहाँ पे कंफर्म हो चुका है और सिमिलर कैमरा सेटअप मिलने वाला है Xiaomi Mi Note 10 के जैसा ही, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा 108 मेगापिक्सल का, फॉलोड बाय 20 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, फॉलोड बाय 16 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, फॉलोड बाय 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, फॉलोड बाय 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर। बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में, फ्रंट में देखने को मिलेगा 44 मेगापिक्सल का AI पॉपअप सेल्फी कैमरा। बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, 5500 mAh का बैटरी इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। इस फोन का बैटरी जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और बैटरी भी हम लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इस फोन के अंदर बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। चार्जिंग के लिए 55W का एक फास्ट चार्जर इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा और फास्ट चार्जर जो कि इन दी बॉक्स आने वाला है और टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक और NFC का सपोर्ट इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। प्राइसिंग और रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, Redmi Note 10 Pro का एक्सपेक्टेड और कन्फर्म प्राइसिंग होने वाला है 15,000 से 20,000 रुपीज़ के रेंज में। इस फोन का प्राइसिंग जो कि ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है और मिड रेंज के प्राइसिंग में Redmi Note 10 Pro जो कि बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होने वाला है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि Redmi Note 10 Pro जो कि मिड रेंज के प्राइसिंग में बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। और जितना मेरे को लगता है कि यार बहुत अच्छे स्पेक्स ऑफर कर रहा है Redmi Note 10 Pro मिड रेंज के प्राइसिंग में, और Redmi Note 10 Pro जो कि एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, Redmi Note 10 Pro का एक्सपेक्टेड और कन्फर्म रिलीज डेट होने वाला है जुलाई के एंड तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक पे, ऑफिशियली यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। दैट्स इट इन दिस वीडियो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेक श्योर अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। स्टे ट्यून रहिए चैनल पर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अपना ओपिनियन जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।